काम है कि मैं माँ बाप के सामने कुछ बोल नहीं पाता हूँ और ये मैडम आके अपनी जुबान खोलती हैं और इनके साथ साथ मेरी भी बोलती हूं कि मैं दोनों लोगों का कॉम्पनसेट कर देती हूं। कर देती हैं बिल्कुल जी। और अभी तक हमने देखा कि जो आपके पापा हैं वो पूरी तनख्वाह जो है दादी को देते हैं, लेकिन यहाँ पर तनख्वाह जो है वो कट कट के आ रही है। हाँ, ये बहुत एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत सेंसिबल चीज़ इस रिया माथुर ने की है शादी करने के बाद, जो कि रिया श्रीवास्तव बनती हैं। वो ये है कि इस घर में सेविंग्स नहीं होती थी और रिया माथुर घर में आने के बाद फिक्स डिपॉजिट के बारे में बात करती हैं, म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करती हैं, जो कि दादी को नहीं मालूम होता इन चीज़ों के बारे में। बट उनको ये चीज़ें मालूम होती हैं कि ब्याज लेन देन का मालूम होता है, लाइक नॉट प्रैक्टिकली चीज़ें मालूम होती हैं उनको, लाइक प्रॉपर चीज़ें नहीं मालूम होती हैं। और ओके, तो कह सकते हैं कि रिया माथुर जो है वो कहीं ना कहीं अब श्रीवास्तव परिवार में एक नया अध्याय ज़रूर जोड़ देंगे। बिल्कुल जोड़ेंगे, बिल्कुल जोड़ेंगे। क्या कहेंगे रिया, और क्या कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी इस अध्याय को जोड़ने में? देखो, मशक्कत तो बहुत करनी पड़ेगी क्योंकि मेरी दादी सास है, तो आई मीन कब से उस मेंटालिटी के साथ वो जी रही हैं, अब तक वो वैसी ही हैं, तो उस चीज़ को ब्रेक करने के लिए बहुत पेशेंस, बहुत एफर्ट लगता है कि आप एक किसी को एक उसके शेल से, उसकी एक मेंटालिटी से बाहर निकालना, उसको रियलाइज़ कराना कि आप जो सोच रहे हो वो एक टाइम तक सही था, अब वो सही नहीं है। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट्स ऑफ पेशेंस एंड एफर्ट्स। अच्छा, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो दादी सास हैं और इनके बीच का जो जो कह सकते हैं लड़ाई जो है वो उसमें पिसेंगे आप कहीं ना कहीं? नहीं। क्यों? हाँ? बिल्कुल भी नहीं। नहीं नहीं, क्या रीज़न है? मैं पिसवाऊंगी नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैं सिर्फ एक तरफ से पीसता हूँ, दो तरफ से नहीं। वो रीज़न ऐसा है कि इसकी पत्नी जो बनी है ना वो बहुत अंडरस्टैंडिंग इशू है। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है क्योंकि एक पॉइंट पे मैं भी चाहता था कि इस घर में बदलाव आए, मैं भी कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे आके मैं फेल हो जाता हूँ, फिर मैं बैकआउट कर जाता हूँ कि नहीं यार ये अभी नहीं हो सकता मुझसे, लेट इट गो दिस वे ओनली, दादी जैसे कर रही हैं करने दो, आपको कुछ चीज़ें गिव अप करनी पड़ेंगी, कर दो गिव अप, कोई बात नहीं। बट जैसे ही रिया माथुर शिवम की लाइफ में आती हैं, उसके बाद शिवम श्रीवास्तव की लाइफ में बदलाव आता है, उसके बाद ये मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बताती हैं, तुम्हारे घर में ये चेंज किया जाना चाहिए, ये चेंज किया जाना चाहिए, बेसिकली क्योंकि ये थिंकिंग हम दोनों की एक ही है, देयर इज नो डिफरेंस इन द वे वी थिंक, पर हाँ ये बोलता नहीं है क्योंकि मैं चीज़ें बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ घर में, बेसिकली दैट्स व्हाई। इसको ये भी पता है कि इसके बाद सुनी नहीं जाएगी। अच्छा, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आखिरी सवाल आपसे करूँगा कि अगर आपको ऑप्शन दिया जाए, बगल में अगर दादी और रिया जी यहाँ पर खड़ी है, किसको किसको चूज करेंगी? मैं तो ऐसे हो जाऊँगा, अपने आप को तुम दोनों देख लो, मैं तो बगल में खड़ा हूँ बिकॉज मैं तो बीच में पढ़ने वाला नहीं हूँ। हाँ, लेकिन ये इमोशनल ब्लैकमेल जरूर करेंगे मुझे। क्यों? अगर मैं सही हूँ तो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे? वही तो बोल रहा हूँ, इसलिए तो बोल रहा हूँ इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे, देखो मैं सही हूँ लेकिन तुम भी मेरा स्टैंड नहीं दे रहे हो, फिर ये बोलो, फिर तो साथ में खड़ा होना पड़ेगा मुझे। मतलब इन शॉर्ट कह सकते हैं इन्हीं के साथ खड़े, खाली का बैंगन। हाँ, कह सकते हैं, बिकॉज वो मैं भी वो चीज़ें कहीं ना कहीं चाहता हूँ कि हो। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।